अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। यहाँ पे मैं आई थी ये दवाई लेने के लिए, क्योंकि मेरे घर का किचन का जो सिंक था वो बंद हो गया था इस वजह से, तो वो मैंने लिया। और बच्चों के पेपर थे तो बच्चों के लिए बैग्स चाहिए थे, जो नॉर्मल वाले बैग होते हैं जिसमें दो चार कापियाँ आ जाए, वो लेनी थी। वो लेने के लिए गई थी बाहर, उसके बाद गई थी हॉस्पिटल, जो मेरा डेली का चल रहा है प्रोसेस। बस दुआ करो जल्दी से ठीक हो जाऊं। उसके बाद आइसक्रीम खाया। आइसक्रीम खाने के बाद मैंने तो नहीं खाया था, मेरी बेटी ने खाया, मैंने नहीं खाया, क्योंकि मुझे आजकल कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ये बैग लिए थे मैंने बच्चों के, जो पेपर के में काम आते हैं, दो कॉपियाँ और उसमें एक रेजर, पेंसिल, शॉर्पनर, ये चीज़ें डाल के लेके जाए आसानी से बच्चे स्कूल। वैसे तो इतने भारी बैग हैं बच्चों के, तो इस वजह से ये पेड वगैरह डाल के सब कुछ बच्चे जाएंगे स्कूल इंशाल्लाह। आज उनका पहला पेपर था, तो ये इनको लेके दिए। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ करना मेरे बच्चों के लिए ताकि उनके अच्छे से पेपर सारे हो जाएं। तैयारी तो अच्छी करवाई है और दुआएं भी बहुत सारी कर रही हूँ मैं अपने बच्चों के लिए, ताकि अच्छे से इंशाल्लाह रिजल्ट आए इनके, बच्चे कामयाब हो जाएं। तो माँ बाप के लिए यही सब कुछ है। अल्लाह इनको हिदायत दे और नमाज कुरान पढ़ने की हिदायत दे, सबसे पहले वो है चीज़। तो मेरे किचन में आज बन रही थी गोभी और आलू, यहाँ पे बन रही थी रोटियाँ। तो आलू गोभी भी बनाई थी मैंने काफ़ी टाइम के बाद। और हर किसी के घर में अपने अपने हिसाब से बनती होगी, मेरे हिसाब से ये ऐसे ही बनती है जैसे मैंने आप सबको दिखाया। आप भी ट्राई करके देखना, शायद मेरी रेसिपी से आपको कुछ अंदाज़ा हो, या कोई चेंज मिले, या कोई अच्छा टेस्ट मिले। आप कैसे बनाते हो आप भी मेरे साथ शेयर करना, ताकि मैं भी वही रेसिपी बना के देखूं। यहाँ पे टमाटर में पीस रही थी, ये मशीन माशाल्लाह बहुत अच्छी है, बंदा हाथ से काट काट के ना, हो हाथों पे कट लग जाते हैं, इससे आराम से बड़े पीस करके डाल के मशीन में और ऊपर से प्रेस करो, इतने अच्छे बड़े से टमाटर हो, प्याज हो, हरी मिर्ची, धनिया, जो भी आपको पीसना है इसमें बस डाल के घुमाओ, लहसुन हो जाए, अदरक हो जाए, सारी चीज़ें इतनी अच्छी पीस जाती है इसमें। मैंने इसका पहले भी आपको बताया था, तो इस वजह से मैं बताती रहती हूँ जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है, जो मैं ट्राई करती हूँ वही। यहाँ पे मसाला है जो डेली रूटीन में होते हैं हर किसी के घर में, वही मैंने सारे कुछ इसमें डाल के अच्छी तरह से मसाले को भून के उसके बाद आलू गोभी डाल दिया था। मुझे आलू गोभी में प्याज छोटे छोटे डालती हूँ तो और भी मज़ा आता है, बस वो नहीं थे, आजकल बड़े बड़े प्याज आए हुए हैं मार्केट में, तो बस इसकी अच्छी तरह से बुनाई करके मैंने ढक्कन लगा दिया था। उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर से बुनाई कर रही थी, थोड़ी थोड़ी देर बाद फिर से भूनना भूनना भूनना, जब तक कि गोभी अच्छी तरह से भुन गई। इसके बाद मैंने एक गिलास पानी का डाला था इसमें और थोड़ा दूसरा, ताकि इसकी जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। तो बस इसमें वो डाल के मैंने और रख दी थी ढक्कन लगा के, जल्दी ये सूख गई माशाल्लाह, गल भी गया आलू गोभी सारा कुछ। तो ये मेरी सब्ज़ी हो गई थी रेडी माशाल्लाह, मज़े की बनी थी, हम सब ने खाई भी। तो यही था आज का व्लॉग, आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मुझे दुआ में याद करना, मैं भी आप सबके लिए दुआ करती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।